अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा अजमेर का लास्ट दिन। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं उनावा, यानी उंजा जाने वाले हैं हम लोग। और अभी मैं थोड़ा दरगाह पर चली जाऊँगी। पहले हम लोग करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद में थोड़ा मुझे यहाँ पर शॉपिंग करनी है। शॉपिंग में मतलब यहाँ से जो यहाँ पर जो है ना एकदम बांधनी के ड्रेस जो है ना, ओरिजिनल बांधनी के ड्रेस जो अपने बॉम्बे में नहीं मिलते, बॉम्बे में नहीं मिलते, बॉम्बे में जो यहाँ से ही जाते हैं, यानी गुजरात से ही, यानी यहाँ से ही वापस जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े हमें सस्ते मिल जाते हैं बांधनी के ड्रेस, तो वही मैं ले लूंगी यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बांधनी पहनना, मुझे बहुत पसंद है। देखिए आप लोग कभी मेरी वीडियो में, मैं मैक्सिको पर बांधनी का ही दुपट्टा ओढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आता है, तो वो ले लूंगी मैं। और बस और कुछ भी नहीं लेना है मुझे, और मुझे एक जंतु अपनी तरफ से जो कपड़ा देना है वो ले लूंगी। बंगड़ी, कौन सी बंगड़ी? बंगड़ी लेना है। बंगड़ी मार्केट जाना है, यहाँ पे बोलते हैं बंगड़ी मार्केट है, वहाँ पे बंगड़ी सामने बना कर देते हैं, तो मैं देखती हूँ वैसी बना कर देते है क्या नहीं देते। और उसके बाद में फिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? उसके बाद में आना सागर जाएंगे। टाइम मिला अगर तो, टाइम मिलेगा तो हम आना सागर तक का जाएंगे, अगर नहीं मिला तो हमारी 8 बजे से हमें निकल जाना है। हाँ, है ना, बराबर। तो जब तक हम लोग दरगाह में बैठ के दुआ करेंगे, है ना। हाँ, तो चलो चलते हैं। तो पर्स दो, ये पर्स मैंने देखे यहाँ से ही ली, मैंने घर पे से वो पर्स लेके आई थी। पर्स में एक बार चेक करो ना, वो पर्स चेक करो ना, कुछ नहीं है ना। मैंने घर में से जो पर्स ले गई थी उसको देखी नहीं, पूरी खराब थी, पूरी खराब हो चुकी थी। मैंने घाई घाई में वो पर्स ले ली, फिर वो पर्स को यहाँ पे देके फिर ये वाली यहाँ से मैंने ली। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ, मस्त लग रही है। तो चलिए फिर हमारा नाश्ता वगैरह हो गया। नाश्ता करने के बाद में मैं आई कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ बांधनी के कपड़े देख रही थी। तो यहाँ जो दुकान में मैं गई थी उधर पे एकदम ओरिजिनल बांधनी के कपड़े मिलते हैं, जो ये इनकी दुकान से यानी इनके उधर से कपड़े हमारे मुंबई में भी जाते हैं। पिछले साल मैंने जो कपड़े ली थी वो कपड़े बहुत ही बेकार निकले थे। मैंने ली थी एक दूसरी दुकान में से, तो उसका कलर भी चला गया और कपड़े पहनने के साथ में एकदम फीके पड़ गए थे, मतलब अच्छे कपड़े नहीं थे। तो इसके लिए वो थे पहले जो मैंने ली थी कुछ 300, 350 वाले। तो अभी इन्होंने इनसे बात करी तो इन्होंने बोले कि हमारी दुकान में वैसे कपड़े नहीं मिलते, एकदम ओरिजिनल बांधनी मिलती है फुल गारंटी के साथ में। उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिए, बोले कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, इसके बदले में मैं आपको दूसरा कपड़ा भेज दूंगा, ऐसा करके। और इन्होंने एकदम ये जो मैंने ली हूँ कम से कम 1100, 1200 और 800 के अंदर ही थे। तो गाइस इधर से मैंने अपने लिए दामनी के ड्रेस, कौन से ड्रेस बोलते हैं भाई इसको, बांधनी, सारे बांधनी के ड्रेस मैंने इनके शॉप से ली हूँ। ये किधर पे आप एड्रेस बताइए। दान मंडी दतरगा। दान मंडी दरगाह के पास। अच्छा, तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे जैसे कि एकदम ओरिजिनल देखने के लिए मिले हैं। ये बताइए इसमें का, मैंने ये ली हूँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें एक से एक कलर है और एक से एक आपको देखे बांधनी के ड्रेस देखने मिलेंगे, जो हमारे मुंबई में बहुत ही हैवी रेंज में मिलते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि थोड़े कम रेंज में मिलेंगे मगर एकदम ओरिजिनल, है ना। हाँ, उसके बाद में फिर मैं थोड़ा चलने लगी, थोड़ा घूम कर देखने लगी मार्केट में। मुझे चाहिए थी बंगड़ी, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बंगड़ी का बाज़ार है, तो मुझे वो बंगड़ी का बाज़ार नहीं मिल रहा था। तो कुछ मेरे पहचान वाले थे, तो जिनके घर में मैंने खाना खाई थी, उन लोगों ने मुझे बोले कि चलिए आपको हम बंगड़ी का बाज़ार बताते। तो यहाँ पर मैंने देखे काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइन की बंगड़ी आपको मिल जाएगी, या आपको अगर अपने बना के चाहिए तो बना के भी यहाँ पर बंगड़ी मिलती है। मगर मेरे पास में टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने जो रेडीमेड थी वही बंगड़ी ली। मेरे हाथों में काफ़ी
मेरी सूजन चल गई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम बैठती हूँ या ज़्यादा टाइम बैठती हूँ तो मेरे बदन पर सूजन चल जाती, क्योंकि आपको मालूम है आपके आपा को हमेशा काम करने की आदत है। तो फिर मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी कुछ बंगड़ी थी, वो पाकिस्तानी बंगड़ी मैंने अपने हाथों में पहनी। आपको मेरे वीडियो में आगे देखने मिलेगा कि वो पाकिस्तानी बंगड़ी कैसी थी। और जिनके पास से मैंने बंगड़ी ली वो भी मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं मेरी रेसिपी, वो भी ट्राई करते मुझे देखने के साथ। उन्होंने कहा आइए ना अफरोज़ आपा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहाँ कहाँ से पब्लिक मुझे जानती है और कहाँ कहाँ से मुझे देखती है, मुझे खुद को भी नहीं पता। इसीलिए मैं जितने भी ऑल इंडिया में लोग हैं उन सबको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहनी पाकिस्तानी बंगड़ी, उन्होंने कहा इसका नाम है पाकिस्तानी बंगड़ी। तो दोनों हाथों में पहनने के बाद में मैंने अपने लिए थोड़ा सा पैकिंग करके भी एक डिज़ाइन की बंगड़ी ले ली। आसिफ को मैं बता दी थी अपना हाथ ही लगे कि देखिए मेरी बंगड़ी कैसी लग रही है।
तो चलिए मेरी हो गई शॉपिंग। शॉपिंग करने के बाद में मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी, तो फिर हम लोग एक होटल में आए वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे जो वेटर लोग थे वो भी मेरी वीडियो देखते थे, और उन लोगों ने कहा, मैं बैठ गई थी नीचे खाने के लिए, तो इन लोगों का डबल मालिक है, तो उन लोगों ने बोला कि हम ऊपर बैठते तो हम आपको सर्विसिंग करते तो हमें बहुत ही खुशी होती। तो मैंने बोली इंशाल्लाह मैं अभी हर छठी आती रहूँगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके होटल में ऊपर पे बैठूँगी, आप ही मेरी सर्विसिंग करना। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था और बहुत टेस्टी था, और हमारी बस का टाइम भी होने वाला था, तो हम लोगों ने फटाफट से खाना खाए और फिर बस के लिए रवानगी किए, क्योंकि हम लोगों ने होटल खाली कर दिए थे 10 बजे, सुबह में 10 बजे होटल खाली किए थे और सामान उधर ही रख दिए थे। तो चलिए गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारी बस के लिए, जहाँ पर गुंजा जाएंगे अभी हम लोग। और बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं अजमेर आती हूँ तो जब यहाँ से जाने के लिए मेरा दिल नहीं होता है ना सिर्फ, बहुत ही मतलब मेरा दिल एकदम ये हो गया अभी के बस यहाँ पर ही, मतलब ऐसा लगता है कि इनके साथ ही रहना है यहाँ पे ही। और अभी जा रही हूँ एकदम उदास उदास, यहाँ पे जो है ना बहुत तेज हवा चल रही है, बोलते ना रहमत बरस रही अल्लाह ताला की। हम लोग सोचे थे क्या कितनी गर्मी रहेगी, सब पतले पतले कपड़े मैंने सिला के ली थी है ना, मैं बोले एकदम पतले पतले कॉटन के लेके जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है करके। मगर जैसे ही खाजा जी की छट्टी आ गई, बोलते ना इधर पे बारिश गिरने लगी, इतना मौसम ठंडा हो गया है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा अभी। हाँ अरे बाप रे 50 डिग्री, सही बात है, ठंडी का मौसम लग रहा है, ठंडी में क्या होएगा यहाँ पे, ठंडी में अपन सब आएंगे बता। अरे गर्मी नहीं पड़ी यहाँ पे, उनका ऐसा उनका कदम है मत। तो चलिए अभी यहाँ पे हम ब्लॉग खत्म करेंगे क्या, नहीं बेटे बस में बैठेंगे फिर उंजा पहुँचेंगे फिर उधर ब्लॉग खत्म, ब्लॉग खत्म फिर उधर से उंजा का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। जब आए थे ब्रिज बंद रहा था। तो चलिए अभी बस में बैठने के बाद आप लोगों से बात करते हैं। पराठा में चलिए गाइस काफ़ी टाइम से हम लोग इधर बैठे हुए हैं और बस अभी तक का नहीं आई है, 10:30 बजे का टाइम दिए थे मगर अभी बज चुके हैं 11, यानी 1 घंटा ज़्यादा हो गया। हम लोग को 10 बजे टाइम दिए थे, 9 बजे आ गए थे 1 घंटा पहले, तो मालूम पड़ा कि बारिश के लिए तो बस लेट है, तूफानी हवा चल रही है बहुत। हाँ डाला तूने लिया ना वीडियो, बहुत तूफानी हवा चल रही है, ठंडी लग रही इधर पे कुछ, अभी तो गए ना हवा गर्म कर रही है, अभी धूप है तो बस जल्दी जल्दी बस आ जाए, बस आवाज़ कमर दुख गई।